भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। राहुल गांधी से मुलाकात करने और उन्हें तीर कमान भेंट करने वाले आदिवासी शिक्षक राजेश कनौजे को जिला सहायक आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। शिक्षक पर कार्रवाई होने से राज्य का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार पर हमलावर है। बड़वानी जिले के प्राथमिक शाला कुजरी के शिक्षक राजेश कनौजे ने 24 नवंबर को आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर बोरगांव और रस्तमपुर के बीच में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी से आदिवासी समाज के मुद्दों पर बातचीत करने के बाद उन्हें तीर कमान भी भेंट किया था, लेकिन इसकी जानकारी लगते ही 25 नवम्बर को सहायक आयुक्त नीलेश रघुवंशी ने शिक्षक राजेश कनौजे को सस्पेंड कर दिया। निलंबन पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दल की रैली में सम्मिलित होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 5 का उल्लंघन किए जाने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सीएम शिवराज सिंह चौहान की नींद उड़ गई है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मानसिकता के जो एम्प्लॉयज हैं, कितने इस तरह के पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये देखिए, इनके जो इनकी मानसिकता के जो एम्प्लॉयज है, जो कितने इस तरह के इनके पॉलिटिकल कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी जी ने इनकी नींद हराम कर दी है भाजपा की, जिसमें मुख्यमंत्री जी और ये सब भी आते हैं। अगर कोई शामिल हो गया है और उस नाम से भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राजेश कनौजे को निलंबित कर रहे हैं, ये मैंने खुद ने भी ऑर्डर जो देखा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि कितने शिवराज सिंह जी और भाजपा डरी हुई है और इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता चुका देगी जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे। उधर इस पूरे मामले पर सहायक आयुक्त नीलेश रघुवंशी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। वहीं न्यूज 24 ने जब राजेश कनौजे से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो शासकीय शिक्षक होने के साथ साथ एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। वन अधिकार कानून और आदिवासी समाज के कई मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा भी हुई। राहुल गांधी से मुलाकात करने पर ही मुझे सहायक आयुक्त के द्वारा निलंबित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। मेरे साथ में जो है, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ में मुलाकात करी तो मुझे जो है सस्पेंड कर दिया गया। कब गए थे आप? मैं 24 तारीख को गया था और मैं जो हूँ उसके पहले उसी दिन जो है एक छुट्टी का आवेदन भी दिया था और लेकिन मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कारण रहा मुख्य? मुख्य यही कि आप भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए और जो है कि ये राजनीतिक रैली है, इसमें नहीं जाना था। आप जो है सेवा सविलियन अधिनियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी पार्टी से जुड़े सर आप? मैं ऐसा पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम जो है समाज के मुद्दे हैं उसमें जो है हम हर पार्टी के जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं या विपक्ष के लोग होते हैं उनके सामने जो है आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उनको हमारे रखते हैं उनके सामने। कब मिले थे आप राहुल गांधी? मैं 24 तारीख को मिला था और 24 को जो है हम बोरगांव के और रस्तमपुर के बीच में मिले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।